जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस लाइन में एसपी अभिषेक सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि नगर कोतवाली पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान 3 गौकशों के गोली लगने से घायल हो गए हैं। इसके साथ ही 9 गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। इस दौरान नगर कोतवाली पुलिस ने गौकशों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस व खोखा कारतूस, 315 बोर के और 3 राज गौवंश और गौकशी के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस मुठभेड़ में 3 शातिर गौकशी के गोली लग गई है, जिसमें वह घायल हो गए हैं। इसके साथ ही 9 गौकशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी अभिषेक सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि गौकशी करने वाले पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार एंड टू एंड चेन को गिरफ्तार किया है। एसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि भूरा, मुनब्बर, तहसीम, नाजिम, नवाब, कलीम, तनवीर, गयूर, हनीफ, शहजाद, राशिद और इकराम को थाना नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज जनपद मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली क्षेत्र में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गिरोह संगठित तरीके से गौकशी करके उसके मीट को खपाने वाला है। इस पर तत्काल एसपी सिटी के नेतृत्व की टीम ने रिएक्ट किया। वहाँ मौके पर जब पुलिस पहुँची तो वहाँ पर पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो इसमें 3 गौकशों को गोली लगी है जो घायल हैं। इसमें कुल 12 अपराधी हमने गिरफ्तार किए हैं। इसमें 5 वो लोग हैं जो गौकशी की घटना करते थे। इसमें 5 वो लोग हैं जो लोग इनको गौवंश सप्लाई करते थे। इसमें कुछ लोगों की डेरियां भी चिन्हित की जा रही हैं और इसमें 2 वो लोग हैं जो इस अवैध मांस को मार्केट में खपाते थे। इसमें एक व्यक्ति के पास खुद एक मीट शॉप है जिसका लाइसेंस का पता किया जा रहा है, जिसका निरस्तीकरण कराया जाएगा। एक व्यक्ति और है जो शादी पार्टियों में भी इस मीट को खपाने की कोशिश करता था। इसमें एक व्यक्ति अभी फरार है जिसका नाम राशिद है, जिसका जो एक मीट शॉप ओनर है उसकी तलाश की जा रही है। मौके से क्या क्या मिला सर? मौके से जो फायरिंग में इस्तेमाल हुए 3 तमंचे वो बरामद हुए हैं। गौकशी के जितने भी औजार जानवर काटने के इस्तेमाल होते वो हुए। 3 जिंदा गौवंश जो हमने बचाए हैं वो बरामद किए गए हैं और बाकी वेइंग मशीन और एक लकड़े का चबूतरा जिस पर ये मीट काटे जाते थे वो बरामद हुए। सर, पहले ही मुकदमे दर्ज है? हाँ, इसमें से 2 लोग जो हैं उनकी थाने पर HSB है और इन पर पहले से भी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है और इनके विरुद्ध अब गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। सर, ये किस तरीके से गोवंश खरीद के लाते थे, जिस तरह डेयरी संचालक हैं, क्या कहते हैं? इसमें से जो 5 व्यक्ति हैं इसमें से कुछ लोग की डेयरी है। ये इनसे पूछताछ में ये पता चला है कि इनके यहाँ जो दुधारू पशु अब दूध देना बंद कर देते थे उनका ये लोग सौदा सस्ते में कर लेते थे और वो जो गौकश थे वो इनसे उसको खरीद के फिर गौकशी करने के बाद अवैध मांस को मीट शॉप्स में बेचते थे, जो भैंस के मीट से थोड़ा सस्ता भी मिल जाता था और वो बाद में उसको मार्केट रेट पर भैंस के मीट में मिला के बेचते थे। सर, जहाँ जहाँ बेचते थे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? हाँ, इन सबको चिन्हित किया जाएगा। ये पहली बार ऐसा है कि एंड टू एंड हमने पूरी चेन इस्टेब्लिश की है कि गौवंश कहाँ से आया और मीट कहाँ पर खपाया जा रहा था। इसमें आगे जितने भी लोग चिन्हित किया जाएगा सब पे कार्रवाई की जाएगी। टीम के इस सराहनीय वर्क के लिए उनको 10,000 रुपए का रिवॉर्ड घोषित किया जाता है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।